मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर एमपी बीजेपी जहां महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, तो वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी इसे आजादी के इतिहास में नया अध्याय बताती है, तो वहीं कांग्रेस 9 साल के कार्यकाल पर घेर रही है। केंद्र में मोदी सरकार ने 9 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इन 9 सालों की उपलब्धियों को बीजेपी जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। इसके लिए बीजेपी 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। इस बीच नए संसद भवन को भी बीजेपी अपनी उपलब्धि बता रही है, वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के बहिष्कार को देश का अपमान करार दे रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस पर्व पर माननीय प्रधानमंत्री जी नए संसद भवन को देश को समर्पित करेंगे। देखिए वो तो वो वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। देखिए मोदी जी के प्रति उनके मन में नफरत जो है, और मोदी जी जो भी करें वो उसका विरोध करना, ये उन लोगों का मोटो है। सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के स्वर्णिम 9 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, और उस 9 वर्ष की पूर्णता पे भारतीय जनता पार्टी अनेक आयोजनों के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के बीच में जाने वाला है। वहीं कांग्रेस मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 सवालों को लेकर देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। भोपाल में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने बीजेपी पर हमला बोला। काला धन वापिस आएगा, हर देशवासी के जेब में यूं ही 15-15 लाख आ जाएंगे। मुझे पता नहीं भोपाल के किसी प्रेस के साथी के अकाउंट में आया है कि नहीं, हमारे अकाउंट में तो नहीं आया। इन 9 सालों में कांग्रेस ने बीजेपी और मोदी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। जाहिर है कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, इसलिए वो इसे मोदी सरकार की नाकामी के तौर पर पेश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।